इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? इसकी सजा मिलेगी। गाइज, हमारे एनिमेटेड भूतों की सजा से बचो और जल्दी से हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। खूनी मंडे और कुकू एफएम साथ मिलकर लाए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, जो कि आपको रूबरू कराएगी एक भूत बंगले से जिसका नाम है भुवन विला। तो आइए शुरू करते हैं। ऐश्वर्या और उदय की शादी को 7 साल होने वाले थे। दोनों की मैरिज एनिवर्सरी कुछ ही दिनों में थी और उसी के लिए उदय ने अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। एनिवर्सरी के दिन वो सुबह सुबह ऐश्वर्या की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर से कहीं दूर ले गया। वहां पहुंचने के बाद जब ऐश्वर्या ने आंखों से पट्टी हटाई तो वो बिल्कुल दंग रह गई। वो एक बहुत ही बड़े बंगले के सामने खड़ी थी जिस पर उसके और उदय के नाम का नेम प्लेट लगा था। उसने हैरानी से उदय की तरफ देखा तो उदय ने उसे बताया कि वो इतने वक्त से ऐश्वर्या के लिए एक बंगला लेना चाहता था, मगर पैसे की कमी की वजह से वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मगर फिर उदय को भुवन विला के बारे में पता चला। वो बंगला सस्ते में मिल रहा था और उसकी प्राइस काफी कम होने की वजह से उदय ने वो बंगला झटपट खरीद लिया था। ऐश्वर्या के ठीक सामने उसका सालों का सपना, उसका ड्रीम हाउस था। वो उस घर को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने उदय को कसके गले लगा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही भुवन विला जिसे वो अपना सपनों का महल समझ रही है, वो उसकी जिंदगी उजाड़ने वाला था। उदय और ऐश्वर्या दोनों घर के अंदर चले गए। एक हफ्ते तक सब बहुत अच्छा रहा और दोनों बहुत खुशी से घर में रहते रहे। मगर उसके बाद उदय को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ा और ऐश्वर्या अब घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐश्वर्या को अपने घर की छत बहुत पसंद थी। वो दिन भर छत पर लगे झूले पर बैठे किताबें पढ़ती रहती थी। एक रात डिनर के बाद वो झूले पर बैठी रिलैक्स कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा छत के कोने से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। एक पल को ऐश्वर्या बहुत चौंक गई, मगर उसे लगा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। लेकिन फिर अचानक ही उसे झूला झूलते हुए पीछे से एक धक्का महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस झूले से गिराने की कोशिश कर रही है। उसे अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी और उसने वापस नीचे जाने का सोचा। जैसे ही वो छत के दरवाजे की तरफ पहुंची, उसे अपने पीछे से किसी बच्चे के हंसते हुए भागने की आवाज आई। इस बार वो आवाज सुनकर ऐश्वर्या बहुत बुरी तरह डर गई। वो वहीं खड़ी खड़ी पीछे पलटी, मगर छत पर अब कोई नहीं था। पर तभी झूला धीरे धीरे हिलने लगा, मानो उस पर कोई बैठा उसे हिला रहा हो। ये देखने के बाद ऐश्वर्या सीधा नीचे अपने बेडरूम में दौड़ी और उदय को फोन मिलाने लगी, लेकिन उदय ने फोन नहीं उठाया। ऐश्वर्या ने उदय को जब फिर से कॉल करने की कोशिश की तो फोन में आ रहा नेटवर्क ही चला गया। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुला और दरवाजे के बाहर से एक छोटा बच्चा रूम में झांकने लगा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही डरावना था। उस लड़के के चेहरे पर उसकी आंखें नहीं थीं। पहले तो वो वहीं खड़ा एक टक ऐश्वर्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखता रहा। ऐश्वर्या भी सहमी हुई उस बच्चे को देखे जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐश्वर्या के चेहरे से डर गायब हो गया था और अब उसके चेहरे पर वैसे ही एक मुस्कुराहट थी जैसे उस लड़के के चेहरे पर थी। ऐश्वर्या उसके वश में आ गई थी और जैसे ही वो लड़का वहां से गया, ऐश्वर्या भी उसके पीछे पीछे चली गई।
वो लड़का उसे छत पर ले गया। वो जाकर झूले पर बैठ गया। ऐश्वर्या भी उसके साथ जाकर झूले पर बैठ गई। दो दिन बाद उदय अपनी कॉन्फ्रेंस से वापस लौटा। वो काफी परेशान था क्योंकि पिछले दो दिनों से ऐश्वर्या से वो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उदय ने घर में घुसते ही उसका नाम पुकारा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। वो पूरे घर में ऐश्वर्या को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर जब वो ऐश्वर्या को ढूंढता हुआ छत पर आया तो उदय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐश्वर्या की लाश झूले पर पड़ी थी। उसने खुद ही किनस काट कर अपनी जान दे दी थी। ऐश्वर्या के पास से उदय को एक फोटो भी मिली। उस फोटो में वही छोटा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था। जब बाद में उदय ने वो तस्वीर उस आदमी को दिखाई जिससे उसने भुवन विला घर खरीदा था, तो उसने उदय को बताया कि वो बच्चा जिसका नाम भुवन था और एक वक्त पर भुवन ही उस घर का मालिक हुआ करता था, लेकिन भुवन की लालची माँ ने उस घर को अपने नाम करने के लिए अपने ही बच्चे को छत से धक्का देकर मार दिया था। उदय को आज भी ऐश्वर्या को दिए हुए उस सरप्राइज का रिग्रेट होता है, मगर उसे भी क्या पता था कि भुवन विला और उनकी किस्मत किस तरीके से जुड़ी हुई थी। खैर, उसके बाद कुछ ही दिनों में उदय ने भुवन विला हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद संजना और चेतन नाम का एक कपल भुवन विला में रहने आया। क्या हुआ संजना और चेतन के साथ? क्या है भुवन विला का रहस्य? क्या चाहता है उस छोटे लड़के का भूत? जानने के लिए सुनिए कुकू एफएम की ऑडियो सीरीज भुवन विला। दोस्तों, आज हम आपको कुकू एफएम के बारे में बताएंगे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां कमाल के हॉरर ऑडियो शोज और स्टोरीज हैं, जिसे सुनकर आपको एक नया थ्रिल मिलेगा। हॉरर के साथ साथ आप रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ हैबिट और महात्मा गांधी की माँ, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जैसी कई ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। कुकू एफएम मेड इन इंडिया है और आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। और हाँ, खूनी मंडे के सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। पहले 250 लोग जो कुकू एफएम डाउनलोड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए सीधा 50% ऑफ है। बस KM50 ये कूपन कोड यूज करना है। तो सोच कर रहे हैं, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और सुनिए ऐसी बहुत सारी कमाल की हॉरर स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।